Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ गाइस. और आज हम बात करने वाले अपने करंट अफेयर्स की, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, एक्स्ट्रा हाइलाइट्स भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे. शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है. जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मेरे पास भी लॉट्स ऑफ बहाने होते थे. मैथ की फैकल्टी ने अच्छा नहीं पढ़ाया, इंटरनेट पैक बहुत महंगा होता है, बुक्स कितनी परचेस करें, टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब हम खुद ही अपने आप को बांध लेते हैं दायरों में, और हम हर प्रॉब्लम को ऐसा मानते हैं कि हम उसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, और हम उसी के लिमिटेशन में ही वर्क करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हमें 10 घंटे पढ़ना है तो हमें नींद आने लगती है. तो ये जो दायरे हैं, ये जो वॉल आपने बनाई है, तोड़िए उसे, वरना उसमें ही आप सीमित रह जाएंगे. और ये दायरे, ये वॉल आपने खुद बनाए हैं. आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे और इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे बंधनों को तोड़कर आप आगे बढ़ेंगे और जो भी आपका गोल है उसे आप अचीव करेंगे. तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इंडेक्स की. और हमारा इंडेक्स क्या है, देखिए यहाँ पर. तो आज हम आपको ये सब पढ़ाएंगे, लास्ट में एक्स्ट्रा हाईलाइट्स भी हैं, नेशनल अफेयर से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट. तो गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. देखिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पर नेशनल अफेयर्स में हम पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर आउटरीच प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे. आउटरीच प्रोग्राम का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास टेक्निक्स हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो आगे नहीं आ पा रहे, तो उन तक गवर्नमेंट पहुंचती है और उनको आगे बढ़ाती है. और यहां पर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर में हम MSME की बात कर रहे हैं, मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको हम समझा सकते हैं. देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल will organize an outreach program for textile sector MSME on 13 February, New Delhi. मतलब आज. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है, आज एक आउटरीच प्रोग्राम जो है टेक्सटाइल सेक्टर के MSME के लिए दिल्ली में लॉन्च करने जा रही है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि MSME जो टेक्सटाइल सेक्टर में है उनको प्रमोट करना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को संभालेंगी, उसकी अध्यक्षता करेंगी, और इस फंक्शन में चीफ गेस्ट भी हैं. और इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर तवरचंद गहलोत. डॉक्टर तवरचंद गहलोत जो है वो चीफ गेस्ट हैं, और डॉक्टर तवरचंद गहलोत के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना. तो ये मिनिस्ट्री इनके पास है, वो चीफ गेस्ट होंगे. तो हमने क्या पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो आउटरीच प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है 13 को, मतलब आज दिल्ली में हो रहा है, ये याद रखना हमको. ठीक, उसके बाद क्या है, इसको पूरा संभालेंगी हमारी स्मृति ईरानी जी, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर है, और तवरचंद गहलोत जो है वो कि चीफ गेस्ट रहेंगे. ये कुछ जो की पॉइंट है आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या क्या हम आपको और दे सकते हैं. देखिए यहाँ पर, तो द सपोर्ट एंड आउटरीच 100 डेज प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, और ये लॉन्च किया था MSME के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑन 2 नवंबर 2018. तो 2 नवंबर को 2018 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे आगे बढ़ाया है, और जो चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं,
आगे बढ़ते हैं. पीडीएफ यार तुम लोग को बताया है भाई डिस्क्रिप्शन में होता है, डाउनलोड कर लो. अगर मैं ना भी दे पाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में होता है, फिलहाल मैं आज दे दूंगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो मिनिस्टर कौन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, आपको ये मालूम चल गया है. और अजय टमटा जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है. मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर हमेशा जोर देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो सारी चीज़ें लर्न कर लिया करिए. आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की और एज वेल एज स्टेट मिनिस्टर की भी, जरूर करिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा. ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है. हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की हमने बात की है. अगर हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर की, तो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर किस किस इंडस्ट्री में डिवाइड है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द कंट्री. ठीक है, और ये जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल है ये मिल सेक्टर, हैंडलूम और पावर लूम में डिवाइडेड है. ठीक है, और आगे बढ़ें तो बात करें गुजरात का सेकेंड रैंक है प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल. ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं आपको याद करने चाहिए मेरे हिसाब से. दूसरा, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में दूसरे नंबर पे आती है. और अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए इंडिया होल्ड सेकेंड पोजीशन आफ्टर चाइना इन द फील्ड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन. तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है चाइना के. ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया. और चार तरह की अलग अलग सिल्क होती हैं. इतने डीप में आपको नहीं जाना, आपको स्टैटिक पॉइंट ही समझने केवल. ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जूट इंडस्ट्री, तो जूट इंडस्ट्री भी आती है किसमें, टेक्सटाइल में आती है. और जूट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी जूट होता है उसका 66% प्रोडक्शन अकेले इंडिया करता है. सेकंड नंबर पे बांग्लादेश है, थर्ड नंबर पे चाइना है. तो यही स्टैटिक पॉइंट आपको समझने होते हैं बस, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. तो हमने बात की टेक्सटाइल में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. ठीक है दोस्तों, हमारे पीडीएफ में होगा, आप इसे आराम से डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं अगर आपको और डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो. दोस्तों यहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं. इसकी लिमिटेशन याद कर लीजिए, कितनी कैपिटल वाली कंपनी को हम माइक्रो या स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में डिवाइड करते हैं. ये पुराना डेटा है और ये नया डेटा है, आपको इसे लर्न करना है. ठीक है, और अगर आगे बात करें तो एमएसएमई मिनिस्ट्री किसके पास है, तो गिरिराज सिंह जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एमएसएमई के. तो ये भी आपको याद हो गया मेरे ख्याल से, अच्छे बच्चे आप लोग हैं, बातों को मानते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे. और हाँ, सेशन को हमारे लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है. ठीक दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे. 3 दिन कृषि कुंभ का जो आयोजन था वो समाप्त हो गया है बिहार के मोतिहारी जिले में. कृषि कुंभ का एग्जाम में आना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, आपको इसे लर्न करना चाहिए. तो मोतिहारी में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का समापन हुआ है. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इस पर आपको पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है. ठीक है, तो 3 दिन का इवेंट है. पहली बात आपको समझनी है, कृषि कुंभ जो है ये 9 to 11 फरवरी 2019 में बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ. मोतिहारी बिहार, 3 दिन का इवेंट, फरवरी 9 से फरवरी 11. डेट रेयरली डेट पूछनी आती है, 9 से 11 मतलब 3 दिन का, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कृषि कुंभ जो हुआ, भाई हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है. मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है, आप वहाँ पढ़ो, आपके ऑब्जेक्टिव है, और आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि आपको सिलेक्शन लेना. तो वैसे ही कृषि कुंभ का भी अपना ऑब्जेक्टिव था. इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट मॉडर्न टेक्निक एंड डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर दैट कुड हेल्प इन डबलिंग फार्मर इनकम. तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक टारगेट है कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल कर देनी. तो किसानों की इनकम डबल कर देनी उसके लिए क्या चाहिए, तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मॉडर्न टेक्निक चाहिए एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए. तो यही है कृषि कुंभ मेला, बिहारी मोतिहार 3 दिन का इवेंट हुआ. तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं. हाँ, बिहार की कैपिटल निधि बता रही है पटना है, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिहार की करेंसी मत बताना. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. यहाँ पर तो 15,000 किसान आए डिफरेंट स्टेट से, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो ये जो कृषि कुंभ जो आयोजन हुआ था इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह जी. तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये आपका कृषि कुंभ आयोजन हुआ इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो ऑफकोर्स आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह जी हैं. तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अलग से हमने आपको दे दिया इसीलिए. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अंशुल बता रहे हैं कि डॉल्फिन सेंटर भी है पटना में. वेरी गुड, बहुत बढ़िया.
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और बिहार के बारे में स्टडिक पॉइंट आपको पहले भी हमने दिया है, आज भी हम दे रहे हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के गवर्नर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। कैपिटल क्या है, नेशनल पार्क क्या है, तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेशनल अफेयर्स की बात करने वाले हैं और 8 न्यू मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग की श्रेणी में लाया गया। 8 न्यू मेडिकल डिवाइसेस नोटिफाइड एज ड्रग। आइए देखते हैं कौन कौन से 8 मेडिकल डिवाइस हैं। देखो जब भी संख्या में 5 से ऊपर कोई चीज होती है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा था कौन सा नहीं था आइटम, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इनका नाम भी बताऊंगा, आपको 8 न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है। चलिए द सेंटर नोटिफाइड 8 न्यू डिवाइस एज ड्रग, तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि ड्रग में आने पर क्या होता है ना दोस्तों, ड्रग में आने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कंट्रोल कर सकती है। अगर वो ड्रग की श्रेणी में नहीं तो गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर नहीं होता है। तो बहुत बड़े मायने पर, बहुत बड़े चीजों पर क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग टेक्नोलॉजी से खिलवाड़ कर देते हैं या क्वालिटी से खिलवाड़ करते हैं, उसका ड्रॉबैक हमको देखने को मिलता रहता है हमेशा। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना बहुत जरूरी है। देखिए तो ये इंक्लूड, ये कौन कौन से इक्विपमेंट है, तो ऑल इम्प्लीमेंटेबल मेडिकल डिवाइसेस, मतलब वो डिवाइसेस जो सर्जरी के लिए जरूरी होते हैं, सिटी स्कैन इक्विपमेंट, एमआरआई इक्विपमेंट, उसके बाद डिफिब्रिलेटर्स, डायलिसिस मशीन, पेट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन एंड बोन मैरो सेल सेपरेटर। तो ये कुछ 8 डिवाइसेस हैं जो कि ड्रग की श्रेणी में लाए गए हैं। नाम आप याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 के ऊपर जब भी कोई चीज होती है तो उस पर आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते इनमें से कौन सा था कौन सा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देयर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर नाउ रेगुलेटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब भी कोई चीज ड्रग में आ जाती है तो वो इस एक्ट के अंदर आती है, और इस एक्ट के अंदर में गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट इसके इंपोर्ट पर या मैन्युफैक्चरिंग पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है, जिससे एक सिक्योरिटी बनी रहेगी, कोई क्वालिटी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आपको समझना था। लास्ट ईयर भी 27 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस वेयर नोटिफाइड एज ड्रग until last year, तो 27 डिवाइसेस को ड्रग की श्रेणी में लास्ट ईयर भी लाया गया था, और अभी 8 डिवाइसेस को लाया गया, आपको इतना ही समझना है। होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं और क्या क्या आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने शो में। देखिए तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये सब काम करता है, जो कि चीज़ों को मॉनिटर करता है कि किसकी नीड है, किसका किसको लाना है ड्रग के श्रेणी में, ठीक। और अगर बात करें तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जेपी नड्डा ही होंगे, बिकॉज वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। चलिए दोस्तों ये बात हमारी हो गई, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, गुड मॉर्निंग सब लोग, राम राम, गुड मॉर्निंग सबको, सब लोग टाइम पर आया करें, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो सारथी संदेश वाहिनी व्हीकल फ्लैग्ड ऑफ, तो सारथी संध्या वाहिनी वाहनों को झंडी दिखा के रवाना किया गया, और ये उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया, गोरखपुर में किया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा मिले, ताकि जो फैमिली प्लानिंग के जो पॉजिटिव पॉइंट है वो जनता समझे। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। मैंने आपसे क्या बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने इसे फ्लैग ऑफ किया, मतलब झंडा दिखा के रवाना किया, ये गोरखपुर में हुआ है, ये आपको याद रखना जरूरी है। आइए देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग्ड ऑफ 33 नंबर, आपको याद रखने 33 सारथी संदेश वाहिनी, सारथी संदेश वाहिनी है नाम इसका, सारथी संदेश वाहिनी इन गोरखपुर। तो 33 गोरखपुर आदित्यनाथ, ये कुछ पॉइंट निकल के आए सामने जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इट इज मिशन स्टार्टेड बाय स्टेट फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट विथ एन एम टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो गोरखपुर, अच्छा यहाँ पे कोई मुझे बताए गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ चुका है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप ये बता लेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो मेरे स्टडी पॉइंट में आपको देता हूँ वो आप याद कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे थे, अर्बन एंड रूरल एरियाज में, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझ लीजिए, आदित्यनाथ 33 सारथी संदेश वाहिनी गोरखपुर, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो वो क्लियर हो गया होगा, फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देना इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। मैंने आपसे क्या बोला है कि मुझे गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, मुझे बताइए। यहां पर प्रांजल बोल रहे राप्ती रिवर, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस में, क्वेश्चंस आते हैं। राप्ती एक आंसर अभी तक आया केवल, ठीक है, और प्रांजल गाया वो भी। आगे बढ़ते हैं, यमुना दिशा बेड़ा देखना एक बार,
अशोक पाल राप्ती बोल रहे हैं, ठीक है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ये वाला, ठीक है। ये कैंपेन 3 फेज में होगा, तो पहला फेज इसका 28 फरवरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए फ्रॉम, फिर उसके बाद सेकेंड फ्रॉम 15 मई टू 15 जून एंड थर्ड वॉर फ्रॉम 1 टू 30 जून 2019। तो ये 3 पार्ट में होगा, डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता नहीं कि डेट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है राप्ती, ठीक है। कल का PDF आधा ही था, ठीक है हम देख लेते हैं, और कल के टुमारो वाले में हम अटैच करा देंगे पूरा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो उत्तर प्रदेश में जो जो इवेंट हुए हैं उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड फॉर बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल, और इसका चेयरमैन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ये पॉइंट, ठीक। भदोही की बात हमने की थी कल, अगर आपने मेरा शाम को 5 o'clock वाला शो देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन था मेरा। तो भदोही को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टैग मिला है, भदोही शहर है जहां पर कारपेट बनाए जाते हैं, हमारे शहर से बगल में ही शहर है, ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द उत्तर प्रदेश पुलिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डायल FIR स्कीम। तो डायल FIR स्कीम किसने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उसके बाद देखें तो द कृष्ण कुटीर इन वृंदावन, तो उत्तर प्रदेश में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था कृष्ण कुटीर का वृंदावन उत्तर प्रदेश में। कृष्ण कुटीर जो है स्पेशल होम फॉर 1000 widows के लिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये भी आपको याद रखना, ये सारे कुछ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, हाँ 6 किलोमीटर, हाँ प्रयाग गंगा एक्सप्रेस भी है, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ के बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ पर GI टैग के बारे में बात करें, तो उत्तर प्रदेश के GI टैग हमने आपको दिखाए हैं, साथ में ओडिशा के भी GI टैग हमने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेशनल अफेयर्स की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, और नेशनल अफेयर्स में हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर चलचित्रम फेस्टिवल विल बिगिन इन मार्च। चलचित्रम फेस्टिवल जो है ये मार्च में होगा, और मार्च में कहाँ पर होगा, गुवाहाटी में होगा, आपको ये पॉइंट हम समझा रहे हैं और ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। PDF मैं आपको दे दूंगा, चैट में मेरे साथ बने रहें, जैसे ही आपका ये वीडियो खत्म होगा आपके लाइव चैट में मैं आपको दे दूंगा, और जो भाई लोग देख रहे हैं ऑफलाइन मोड में वो डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से। देखिए तो चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल की हम बात करें तो विल बी हेल्ड गुवाहाटी इन मार्च 19, तो मार्च में गुवाहाटी में चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो शुरू किया जाएगा, और द थीम ऑफ द फेस्टिवल विल बी आवर हेरिटेज आवर प्राइड, आवर हेरिटेज आवर प्राइड है। और इस फिल्म फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट को भी कुछ स्पेशल अवार्ड्स दिए जाएंगे। चलचित्रम नेशनल फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में होगा, मार्च में होगा, और इसकी थीम क्या है, आवर हेरिटेज आवर प्राइड, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां पर हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये पॉइंट जो आपको यहां पर दिख रहा है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि यहां पे कैसी मूवीज दिखाई जाएंगी, अगर कुछ नाम होता तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता, ठीक है। चलिए तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको हमेशा हम देते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू फिल्म एंड फेस्टिवल आपके सामने है, फिल्म एंड फेस्टिवल। तो आपको बताया कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, आपको पता है ये चीज। सेकंड पॉइंट की बात करें तो नियाशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया बोरी बूट येलो फेस्टिवल, पढ़ाया गया आपको ये भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद द वर्ल्ड्स काउंट फेस्टिवल कहां पर हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बात करें तो 20th एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें, 7 स्टेट जो हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के ये 7ों स्टेट आपको यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम स्टेट कैपिटल चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर इन 7ों स्टेट के दे रहे हैं, और ये बेटा आपको याद कर लेने चाहिए। चीफ मिनिस्टर एग्जाम में आता है, गवर्नर आपके एग्जाम में आता है, कैपिटल तो आप लोग भूल गए होंगे, कुछ कैपिटल भूल जाते हैं बच्चे हमेशा, है ना, जैसे अचानक से पूछ लो त्रिपुरा कैपिटल क्या है तो बच्चे मुंह देखते सोचते हैं कुछ तो है भूल गए हैं शायद, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, तो डेरा बाबा नानक लैंड, तो डेरा बाबा नानक लैंड ये घोषित हुआ है इमिग्रेशन चेक पॉइंट। इमिग्रेशन चेक पॉइंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। आपको बताया कि करतारपुर कॉरिडोर काफ़ी न्यूज़ में था, तो करतारपुर कॉरिडोर में क्या होगा कि हमारे यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए इमिग्रेशन चेक पॉइंट यहाँ पर बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए
तो सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र सरकार. द सेंटर डेजिग्नेटेड डेरा बाबा नानक लैंड पोस्ट इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एस एन इमिग्रेशन चेक पोस्ट. इमिग्रेशन चेक पोस्ट का मतलब जहां पर आपका जो भी आप जा रहे हैं दूसरे देश में, तो यहां तो पासपोर्ट चेक अभी होने वाली बात नहीं हुई है. पाकिस्तान ने बोला कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर मान लीजिए पड़ती भी है तो पासपोर्ट की चेकिंग होगी, या आप कौन सा सामान ले आ रहे हो, कौन सा ले जा रहे हो, ये सब के लिए ये बनाया गया. ठीक है, तो इट इज़ नाउ एन ऑथोराइज इमिग्रेशन चेक पॉइंट फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, तो वहां पे जो इंडियन श्रद्धालु जाएंगे उन्हीं की चेकिंग यहां पर होगी. तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं. पाकिस्तान ने बढ़िया काम किया है ये, और यहाँ पे करतारपुर साहब को मंजूरी दी है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर बस तुरंत आ रहा है, और हम देखते हैं और क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पर हम दिखा सकते हैं. देखिए, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर एट द इवेंट ऑफ मान विलेज इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन 26 नवंबर. 26 नवंबर को हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का. तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पर दे दी. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. और अब बात कर रहे हैं पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, आइए. हाँ, पोर्ट ब्लेयर भी चेक पॉइंट था, वो हम पढ़ा चुके हैं पहले भी अपने न्यूज़ में. ठीक है, चलिए. तो ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, देखिए, तो ये आपका 2 किलोमीटर का कॉरिडोर है जो आपका डेरा बाबा नानक और ये करतारपुर साहब को जोड़ेगा. पहले क्या था कि पहले जो डेरा बाबा नानक में आते थे उन्हें थ्रू दूरबीन ये दर्शन करने पड़ते थे. तो ये चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर. चलिए देखो, इसके बाद क्या है कि हमने पूरे करतारपुर कॉरिडोर का पूरा फैक्ट दिया हुआ है, काफ़ी डीप में दिया हुआ है. तो आप इसे PDF में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, पूरा हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में दी हुई है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, अवार्ड्स एंड ऑनर ही है. और पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, इन्होंने एलन बॉर्डर मेडल जीता है इस साल का. पैट कमिंस आगे बढ़ते हैं. दिल्ली डेयरडेविल्स से खेलते थे ये अभी तक, लास्ट टाइम तक. देखिए, तो पैट कमिंस वॉन द कोवेटेड एलन बॉर्डर मेडल एट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड ऑन 11 फरवरी. ठीक है, तो पैट कमिंस को एलन बॉर्डर मेडल मिला है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड फंक्शन में. ठीक, और नाथन लियोन की बात करें, बिकेम द फर्स्ट फिंगर स्पिनर टू विन द टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. तो नाथन लियोन को इस बार टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. इनके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ग्लेन मैक्सवेल टुक द T20 अवार्ड एंड मैथ्यू वेड बैक द डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, तो ये 4 अवार्ड के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है. इसे आई होप कि आपको याद हो जाएगा. आपको अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो सारी बातें तुरंत याद हो जाएंगी, है ना. ये आप देखना, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होता है वो सारी बातें आपको तुरंत याद हो जाती हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो याद ही नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो ICC टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो ये रही लिस्ट, और मेंस ODI टीम की बात करें तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है. कौन सा खिलाड़ी किस कंट्री से बिलोंग करता है, हमने उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. और आगे बढ़ते हुए अगर हम आपसे बात करें ICC अवार्ड की, तो विराट कोहली टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एंड क्रिकेट ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड इनको मिला है. एरन फिंच को मिला है T20 इंटरनेशनल परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड. ऋषभ पंत को मिला है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड. इसके बाद अगर बात करें, स्मृति मंधाना को 2 अवार्ड मिले हैं, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली हैं, इन्हें वुमेन्स T20 इंटरनेशनल परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. और इंग्लैंड की सोफी एकलस्टोन है, इन्हें वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ICC अवार्ड्स में. उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं, तो एक हमारे देखिए यहां पर फायर इंजन की बात करें, तो जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन वॉन ट्रॉफी. तो जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन ने ट्रॉफी जीती है, कौन सी आई उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम यहां पे आगे दे रहे हैं. देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं. तो जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन, अ प्राउड पोजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, वॉज अवॉर्डेड द स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी, जो कि विंटेज कार के लिए होता है. तो स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी जीती है इस फायर इंजन ने. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की भी ये मशीन है जो कि इंग्लैंड में बनी थी और जो आज के टाइम पर हमारे भारतीय रेलवे के पास सुरक्षित रखी है. तो उसने ये अवार्ड जीता है. देखिए, इट इज प्रिजर्व एट द नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली
एंड रेगुलरली बैक्स ट्रॉफीज एवरी ईयर इन वेरियस कैटेगरीज, और हर साल वेरियस कैटेगरीज में ये ट्रॉफी जीतती है. नाम याद कर लीजिएगा, जॉन मॉरिस अजैक्स फायर इंजन. तो नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है, नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी गई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. इसने अभी स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी 19 की ये अवार्ड जीता है. तो ये कुछ की पॉइंट है जो आपको दिमाग में बैठाने हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें. द फायर इंजन वॉज बिल्ट बाई फेमस फायर इंजीनियर्स मिस्टर जॉन मॉरिस एंड सन्स लिमिटेड ऑफ सेल्वोड मैनचेस्टर इन 1914. तो मैनचेस्टर में ये 1914 में बनाया गया था, याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है, देख लेते हैं यहाँ पर. नीरज कुमार भाई, ना 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 ना, ना गलत बात. चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडियन रेलवे. तो इंडियन रेलवे का पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं. जो बच्चे रेलवे की स्पेशली तैयारी करते हैं उनके लिए ये सारे PDF बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं. तो रेलवे में क्या क्या हुआ है अभी तक, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पॉइंट वन लाइनर फॉर्म में आपको हमने यहाँ पर दी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में पहली रेल कहाँ चली, और अगर हम बात करें तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से रेलवे के साइट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज्ड हुआ, टॉयलेट्स कब इंट्रोड्यूस्ड हुए, कंप्यूटराइज सिस्टम कब आया, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप इसे याद कर सकते हैं आराम से. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि रेलवे बजट को पहली बार लाइव टेलीकास्ट कब किया गया, रेलवे और जनरल बजट कब मर्ज हुए वापस, तो 17 में मर्ज हुए थे. ठीक है, उसके वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हमने दी है. ममता बनर्जी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम रेलवे मिनिस्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, आराम से आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर की है. तो जिमी कार्टर वॉन ग्रैमी अवार्ड 19. ग्रैमी अवार्ड की एक वीडियो आज आपको मिल जाएगी, किसने किसने ग्रैमी अवार्ड जीता है. ग्रैमी अवार्ड में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि 50 अवार्ड आपको कौन से याद करने एग्जाम के लिए. तो हमने कुछ उसमें से छाटे हैं और आपको सही पॉइंट दिए जो एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं. तो जिमी कार्टर वन ग्रैमी अवार्ड. ये जिमी कार्टर हैं कौन, ये यूएस के 39वें प्रेसिडेंट थे. आइए देखते हैं कुछ, देखिए. तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर वन हिज सेकेंड ग्रैमी अवार्ड. पहला अवार्ड इन्होंने 2016 में दिया था, अवार्ड फॉर स्पोकन वर्ल्ड एल्बम फॉर हिज बायोग्राफी फेथ अ जर्नी फॉर ऑल. तो फेथ अ जर्नी फॉर ऑल इनकी बायोग्राफी है, जैसे बायोग्राफी लोग लिखते हैं ना, तो इन्होंने बोला है तो उसको अवार्ड मिला है. तो फेथ अ जर्नी फॉर ऑल के लिए इनकी जो बायोग्राफी है उसके लिए इन्हें सेकेंड ग्रैमी अवार्ड इस साल का दिया गया है. ये अकेले नहीं है, इसके पहले बिल क्लिंटन और बराक ओबामा को भी मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड. आगे देखते हैं, 39वें प्रेसिडेंट हैं जो मैं आपको बता रहा था. इन्होंने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था 16 में, अ फुल लाइफ रिफ्लेक्शन एट 90 के लिए इनको 16 में अवार्ड मिल चुका है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. जिमी कार्टर सेकेंड ग्रैमी अवार्ड जीता इन्होंने फेथ अ जर्नी फॉर ऑल इनकी स्पोकन ऑटोबायोग्राफी के लिए. दूसरी बार इनको अवार्ड मिला है, पहली बार 2016 में इनको ये अवार्ड मिला था. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो देख लीजिए, बिल क्लिंटन हो गए आपके एंड बराक ओबामा हो गए, इन्हें 2005 में और 2008 में ग्रैमी अवार्ड पहले मिल चुका है. ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट हमने आपको यहां पर दिखा दिए हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है हमारा, तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अवार्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो जनवरी मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड बांटे गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहां पर दी है. शुरुआत हमने भारत रत्न अवार्ड से की है, कैरनोट प्राइज है, ये सब पढ़ाया गया आपको. ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, हमारे PDF में होगा और PDF में याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सिंगल पॉइंट लूंगा तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हुए यहां पर देख लीजिए, सारे अवार्ड की बात हमने की है आपके लिए. चलिए बाफ्टा अवार्ड की बात करें तो बाफ्टा अवार्ड 19 की भी लिस्ट हमने आपको यहां पर दी हुई है. तो बाफ्टा अवार्ड भी आप याद कर लेंगे आज, अगर आप चाहें तो, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है. ठीक, तो बाफ्टा अवार्ड की पूरी लिस्ट आपको यहां पर हम दे रहे हैं. चलिए तो हमारे PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा. इसके बाद स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जेमी चैडविक की बात करें जो कि ब्रिटिश रेसर हैं, तो ये पहली फीमेल है टू विन MRF सर्किट. तो जेमी चैडविक MRF जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं. चेन्नई में इन्होंने अपने 5 में से 3 मुकाबले जीते और ये नंबर 1 पर आ गई. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको समझने हैं इसमें. देखिए तो जेमी चैडविक, आपको पहले तो इनका नाम याद होना चाहिए, ब्रिटिश मोटर रेसिंग ड्राइवर हैं ये, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की हैं ये. तो जेमी चैडविक ब्रिटिश मोटर रेसिंग ड्राइवर बिकेम द फर्स्ट फीमेल विनर ऑफ द MRF चैलेंज सीरीज बाय माउंटिंग अ टर्न अराउंड एट द, ठीक है फाइनल ये बात पढ़ना नहीं है. तो जेमी चैडविक की बात करें, इन्होंने MRF चैलेंज सीरीज जीती है और ये ऐसा करने वाली पहली महिला है. ठीक, इसके बाद इन्फॉर्मेशन देखिए, तो चेन्नई में इवेंट हुआ जिसमें से 5 रेसेस में से 3 इन्होंने जीता, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है. तो देखिए ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा. नाम आपको याद होना चाहिए. मैंने हमेशा बोला है कि जब भी करंट अफेयर्स में फर्स्ट लग गया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, हमेशा मैंने बोला है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको और भी इंपॉर्टेंट दिखाते हैं. ग्रैमी अवार्ड का वीडियो आज आपको मिल जाएगा. मैं परसों ही शूट कर चुका था लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो कल आपका एडिट हो पाया है, आपको मिल जाएगा आज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं. यहाँ पर तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहां पर तुरंत आ रहा है और वहां पर हम देखते हैं और क्या क्या पॉइंट आपको हम देते हैं यहां पर. ठीक है, देखिए तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन अ ब्रिटिश फॉर्मूला 3 रेस इन अगस्त 2018. तो ये शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन अ ब्रिटिश F3 रेस इन अगस्त 13. तो ये अगस्त में ब्रिटिश F3 रेस जीतने वाली पहली महिला भी थी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2018 की लिस्ट आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं. तो ये ऑस्ट्रेलियन, बहरीन, चाइना, अजरबैजान, ये सब किसने जीता है. तो ये आपके सामने नाम है, इसे याद कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. MRF क्या है? MRF कंपनी है बेटा जो टायर्स बनाती है. MRF के ब्रांड एम्बेसडर भी कोई अपॉइंट हुआ है, कौन हुआ जरा बताओ मुझे. MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं जरा मुझे बताइएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो लिस्ट ऑफ US शटडाउन पे आपको इसी वीक में वीडियो मिल जाएगा, इसी वीक में मिल जाएगा. वीडियो बन चुकी है, एडिटिंग का थोड़ा काम चल रहा है उस पर. तो लिस्ट ऑफ रिसेंट स्पोर्टिंग इवेंट एंड देयर विनर, तो आपके सामने यहाँ पर 2018-19 के कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये देख लीजिए यहाँ पर टाइटल सारे हैं, किसने कौन सा अवार्ड जीता है, ये देख लीजिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दी हुई है. ठीक, देखिए तो इसे भी हमारे PDF से लर्न कर लीजिएगा, आपका अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर. हाँ, एक बच्चे ने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर वीडियो वो मांगा था, लिस्ट मांगी थी, तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से अमेंडमेंट पर क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे देश में, तो ये भी देख लीजिएगा. तो यहाँ पर देखिए 101 तक है, यहां पर 102 जो था वो SC/ST काउंसिल को स्टेट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए था, 103वां है जो आपका ये जनरल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, तो दो और भी हैं. तो ये 101 तक हमने आपको इंफॉर्मेशन यहां पे दी है. ठीक है, चलिए इसे पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट और इंडेक्स की बात करेंगे. यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्स में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केरला की. तो केरला टॉप स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स, तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स में केरला टॉप पर आया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं. आगे देखिए क्या क्या पॉइंट आपको है. देखिए तो केरला टॉप द स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स 2018 बेस्ड ऑन 6 पिलर. तो 6 पैरामीटर पर स्टेट की रैंकिंग हुई कि किस स्टेट में इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल कितना है, तो उसमें केरला ने टॉप किया है. ठीक, और ये जो पूरा सर्वे था ये किसने कराया, तो ये पूरा सर्वे कराया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने. तो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने यह पूरा सर्वे कराया है. केरला टॉप बना है 6 पैरामीटर पर. यह 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं. केरला, याद करिएगा, ये रिपोर्ट और इंडेक्स वाला क्वेश्चन हमारा यहां पे है. ठीक है, देखिए यहां पर तो ये 6 जो आपके पिलर हैं ये क्या है, लैंड है, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक क्लाइमेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस एंड बिजनेस परसेप्शन. तो ये 6 पैरामीटर्स पे रैंकिंग हुई थी, केरला टॉप किया है. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं. और किसने ये सर्वे कराया, तो वो भी पॉइंट मैंने आपको यहां पर बता दिया है. इनका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली बेस्ड एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. देखिए यहां पर तो दिल्ली बेस्ड का ये नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है ऑफ इकोनॉमिक्स. नंदन नीलकनी इज प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड डॉक्टर शेखर शाह इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAR. तो ये डॉक्टर शेखर शाह का नाम आपको याद रखना जरूरी है. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द NCAR कैंपस ऑन 1959. ठीक है, चलिए तो ये कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको दिखा दिए हैं. आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, और इंडिया और नॉर्वे एक साथ आ गया है ओशियन पे रिसर्च करने के लिए. आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर पढ़ने हैं. देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट एस्टैब्लिशिंग द इंडियन नॉर्वे मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव ऑन 11 फरवरी. तो इंडियन नॉर्वे मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव में दोनों दोस्त देश सामने आ गए हैं. मरीन का मतलब क्या हो गया, आपकी जो समुद्री सीमाएं हैं, मैरीटाइम बोलते हैं ना, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया नॉर्वे ने एक एग्रीमेंट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं. देख लीजिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. तो क्या बोला गया है, एन MOU वेयर ऑलरेडी साइंड इन जनवरी बिटवीन द टू नेशंस टू वर्क मोर क्लोजली ऑन ओशियंस. तो याद रखिएगा कि ओशियन पर
ओशियन पे वर्क करने के लिए इंडिया और नॉर्वे के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था पहले ही जनवरी में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, ये तो भावनाओं को समझने वाली बात है कि क्या क्या काम इसमें होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फोरकास्ट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप बात करें, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। डॉक्टर महेश शर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और अगर एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सीके मिश्रा जो हैं और सिद्धांत दास जो हैं ये लोग सेक्रेटरी हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नॉर्वे वर्ल्ड मैप में कहीं यहाँ पर आता है और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। क्रोन करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर अर्ना सोलबर्ग हैं। ये इंडिया के दौरे पर थी तो इनका नाम तो आपको याद रखना जरूरी ही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और अब एक्स्ट्रा हाईलाइट लेकर आपके लिए यहाँ पर आए हैं। जो न्यूज़ आपको हम दे नहीं पाते थे अब वो न्यूज़ भी आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 9th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। तो 9वां नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप कहां पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था और पंजाब को इन्होंने हराया है। तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 9th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप जीता है जो कि गुवाहाटी में हुआ। हरा कौन है? पंजाब हरा है। तो ये पॉइंट आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपके लिए। देखिए केरला के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? पी विजयन, इनॉग्रेटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी को बनाने की बात शुरू हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरला, तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर? देखिए हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बोन ने बोला है कि ऐसी वुमेन जिनके 4 बच्चे हैं या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो उनको टैक्स में छूट दी जाएगी पूरे जिंदगी भर। तो ये क्यों कहा गया है? ये कहा गया है यहाँ की हंगरी की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो इनकम टैक्स में छूट है, मतलब कि अगर आपके ज्यादा बच्चे हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि NTPC ने HDFC बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट पे साइन किया था करीब 2500 करोड़ का। और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि NTPC ने एक 5000 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेन्योर 15 साल का, 15 ईयर्स का टेन्योर है। तो NTPC ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कितने का? 5000 करोड़ रुपए का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंडियन हिस्टोरियन संजय सुब्रमण्यम वॉन द प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज 2019। डैन डेविड प्राइज जो है ये इसराइल में मिलता है, देख लीजिए। तो ही वॉन इसराइल प्रेस्टिजियस $1 million अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ पास्ट टाइम डायमेंशन फॉर हिज वर्क इन मैक्रो हिस्ट्री। तो ये हिस्टोरियन है। तो संजय सुब्रमण्यम, इनको क्या मिला है? डैन डेविड प्राइज 19 का मिला है। वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है। अरे PDF मिल जाएगा भैया, PDF मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आप चैट में बने रहो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो वही ठीक है, हिंदी में चीज़ है। आइए, मेघालय कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द डिकी बंदी स्टेडियम इन तूरा टाउन आफ्टर फॉर्मर लोकसभा स्पीकर PA संगमा। तो जो मेघालय में एक स्टेडियम है जिसका नाम है डिक्की बंदी स्टेडियम, उसका नाम चेंज हो रहा है और PA संगमा के नाम पे रखा जाएगा। मेघालय कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ये पॉइंट आपको हमने यहाँ बता दिया, डिक्की बंदी स्टेडियम नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द 83rd एडिशन ऑफ सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हैज बिगिन इन गुवाहाटी। तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो 83rd एडिशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है गुवाहाटी में। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लेकर हम तुरंत यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद MCQs भी हैं अभी, तो MCQs हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, आपको केवल उसको रिवीजन करना और आंसर देने हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो 11 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। तो साइंस में जो गर्ल्स का प्रेजेंस है, जो गर्ल्स का इंपॉर्टेंस है, गर्ल्स ने जो साबित किया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 16 में सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, ये आपको याद करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट, आई होप कि आप इसे पसंद करेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं MCQs के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है, देखिए यहां पर। तो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 19
was conducted by which of these nation? तो इसका आंसर क्या होगा? अमन 19 कहां पर हो रहा है? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये हो रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्कीम वेयर लॉन्च बाय सुरेश प्रभु ऑन 9 फरवरी इन मुंबई. तो सुरेश प्रभु जी ने मुंबई में कितने स्कीम को लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया. दो स्कीम थी जहां पर आपका 50,000 रुपए और 5 लाख रुपए देने की बात हुई है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2 टू स्कीम. हमें ये चीज याद है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपसे. और अगर आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है गाइस, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमें मोटिवेट करें कि आपको हम और बेटर कंटेंट देकर जाएं. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट. Shane Warne has been named as the brand ambassador of the IPL team. तो किस IPL team का brand ambassador इनको घोषित किया गया? Answer हमको पता है कौन सा, राजस्थान रॉयल. और इस बार राजस्थान रॉयल जो है अपनी जर्सी कलर भी पिंक कर रही है. Next point. तो which person topped the Harun India philanthropy list 2018 on February 9? एंड द आंसर इज मुकेश अंबानी. सबसे ज्यादा दान देने वाली बात, इसके बाद इनके ही संदीप रामल जी हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो द आबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट एडेड दिस लैंग्वेज एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी स्पोकन इन द सिटी कोर्ट. तो आपको पता है ये कौन सा लैंग्वेज है? ये हिंदी लैंग्वेज है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो विच ऑफ दीज मिनिस्टर्स लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर श्री नारायण गुरु स्पिरिचुअल पिलिग्रिमेज सर्किट इन वर्काला केरला. तो ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट ने मैंने पढ़ाया था कल एक्स्ट्रा हाईलाइट में. इसका आंसर क्या होगा? हमारे टूरिज्म मिनिस्टर के जे अल्फोंस ने श्री नारायण गुरु आध्यात्मिक तीर्थ सर्किट की आधारशिला रखी थी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो विच पर्सन वॉन द चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट टाइटल ऑन 10 फरवरी. ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में कल पढ़ाया हुआ था. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉर्नेट मोटेट. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं. दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ दीस नेशन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन. तो आपको ये पता है कि मिस्र के प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं. तो इनका आंसर क्या है? इजिप्ट है. इजिप्ट इज राइट आंसर. ठीक है, आइए आगे बढ़ के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो विच ऑफ दीस बर्ड हैज बीन अनाउंस्ड एज द मैस्कॉट फॉर द 13th UN कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. आपको इसका आंसर ही पता है. क्या इसका आंसर है? ये कब होने वाला है? ये कल हमने पूरा डीप में पढ़ा था. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों. अ हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी वॉज सेटअप इन विच ऑफ दिस स्टेट ऑन 8 फरवरी. तो किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है? आपको इसका आंसर पता है, टिहरी में. और टिहरी कहां पे? उत्तराखंड में. टिहरी डैम, उत्तराखंड भगीरथी रिवर, है ना? उत्तराखंड इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर गाइस. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन. तो विच अमंगस्ट दीज वॉन द बेस्ट रॉक सॉन्ग एट द 61st ग्रैमी अवार्ड. ग्रैमी अवार्ड पर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, बट वीडियो मैंने आपको दिया नहीं है. तो यहीं पर आपको रॉक स्टार बनना है और आंसर देने हैं. रॉक स्टार का मतलब क्या होता है? कि मतलब जो कभी हार ही नहीं सकता है. तो आप लोग पढ़े होंगे मुझे लगता है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, देख लीजिए, तो मास्टर डक्शन. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ग्रैमी अवार्ड 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आपको पता है ग्रैमी अवार्ड जो इस बार लॉस एंजल्स US में आयोजित किया गया था. आइए, वैसे ये अमेरिका का ही अवार्ड है और मैक्सिमम टाइम ये लॉस एंजल्स में ही दिया जाता है. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट. तो हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन हो गया है? विच ऑफ दीज बॉलीवुड एक्टर पास्ड अवे रिसेंटली. कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इनका नाम क्या है? महेश आनंद. महेश आनंद इज राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पेट्रोटेक 2019 ऑन 11 फरवरी 2019 इन. तो पेट्रोटेक का उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, कहां पे किया ये आपसे पूछा गया. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर नोएडा इज राइट आंसर. बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन फॉर IIT एंड IIIT रिसेंटली इन विच सिटी. तो आपको ये मैंने कल ही पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा? ये हुबली में गए थे, हुबली में धारवाड़ जो है वहां पर इनॉग्रेशन हुआ, आपको पता ही है. आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच ऑफ दीज प्लेसेस टू अनवील सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन 10 फरवरी. हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो इसमें कुछ और आपको स्पेसिफाई करना चाहिए था. फिर भी आंसर इज तिरुपुर, तमिलनाडु. कल हमने ये पढ़ा है ना. चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहां पर देखते हैं.
तो द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ विच स्टेट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 10 फरवरी, तो ये भी कल आपको पढ़ाया गया था. आंसर इज हिमाचल प्रदेश. तो हरसिमरत कौर बादल जी जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एयर चीफ मार्शल बीरेन सिंह धनोवा चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स इज ऑन अ विजिट टू विच ऑफ दिस नेशन. तो मैंने आपको पढ़ाया था साक की साक कंट्रीज के लिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, बांग्लादेश इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. एन एमओयू वॉज साइंड बिटवीन दिस कंट्री एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड. वी नो द आंसर. आंसर इज मंगोलिया. मंगोलिया इज राइट आंसर जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग. देखिए और हमारा लास्ट क्वेश्चन. तो विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, और आपको इसका आंसर पता है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री. तो गाइज ये था हमारा शो. हमारे साथ आप आए यहाँ पर, आपने काफ़ी एनर्जेटिक रिप्लाई किया, आपने पूरा अच्छे से पढ़ा. PDF मैं आपको दे रहा हूँ. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. शाम को 5 बजे ज़रूर आइए. आप समझिए अगर आपका कोई एग्जाम है तो 5 बजे अच्छा खासा आपका रिविजन होता है, उसे मिस ना करें चांस, ठीक है. और ऑलवेज बी अ रॉक स्टार, ऑलवेज मोटिवेट रहें, ऑलवेज अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, लोगों को समझें और अपने आप को कभी छोटा मत समझें. अपने अंदर कभी कॉम्प्लेक्स फीलिंग ना आने दें, बिकॉज आप रॉकस्टार हैं, आप बेस्ट हैं. आप वो हर काम कर सकते हैं जो कोई भी कर सकता है, बस अपने ऊपर विश्वास होने वाली बात है. विश्वास है आप कर लेंगे, विश्वास ही नहीं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे. कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ की, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जिस दिन आ जाएगा आप कुछ भी कर सकते हैं. तो हमेशा इसका ख्याल रखें, अपने गोल की तरफ फोकस रहें, कभी डाइवर्ट ना हो गोल से. हर काम होता है, बहुत लोग बहुत सारे काम करते हैं लेकिन अगर गोल ही नहीं है तो वो सारे काम बेकार हैं. फिर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, बिकॉज आप यहाँ पर हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी आपके पास है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ उनका दिया हुआ, आपका कुछ नहीं है, ठीक है. तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं आपसे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. शाम को 5 o'clock पर मैं आपका वेट करूंगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन मंगलमय हो.